दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आर्यन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर बात करूंगा, तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा पहले देख ले, फिर उसके बाद औरों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों मेरा वीडियो को बनाने का दोस्तों मकसद है वो पूरा हो। दोस्तों जब भी देश में और राज्य में चुनाव होते हैं तो नेताओं से ज्यादा परेशान तो हमारी जनता रहती है। सबसे पहले तो हमारी जनता टिकटों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है, किसको मिलेगा टिकट और किसको नहीं मिलेगा टिकट। हमारी जनता इन सबको के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है। हमारी जनता तो इन सबके लिए टिकटों के लिए बहुत परेशान रहती है। और जब नेताओं को चुनाव का टिकट मिलता है, हे भगवान, मेरे देश की जनता पे फिर इतनी परेशान हो जाती है कि पूरी दुनिया का पूरा परेशानी उन पे आ जाती है। पूरी दुनिया का लोड जैसे तो उन पे ही आ जाता है। इतनी परेशान हो जाती है मेरी देश जनता। बस फिर तो अपने उम्मीदवार को जनता को जिताने की इतनी ललक होती है। हमारी जनता इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपना खाना खाना छोड़ देती है, पानी पीना छोड़ देती है। उसको तो बस रात और दिन एक ही चिंता से सताई रहती है कि वो अपने नेता को कैसे जिताए। हमारी देश की जनता ऐसे परेशान हो जाती है जैसे कि कोई उनका अपना बहुत बड़ा एग्जाम दे रहा है। फेल नहीं हो जाए, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी। हमारे देश की जनता के लिए तो जब चुनाव का माहौल रहता है तो रात की नींद लेना भी हराम हो जाता है। हमारे देश की जनता ऐसी परेशान हो जाती है कि पूरे महीने महीने भर वो चुनाव की पंचायतों में पूरा महीना निकाल देती है। उससे सोचो क्या मिला, केवल और केवल आपसी भाईचारे में टकराव के अलावा। कोई भाई उसको देगा वोट तो कोई उसको तो कोई उसको, आखिर मूंछ की भी तो लड़ाई होती है ना। किसी भाई की मूंछ छोटी हो जाए बल्कि आपस में ही भाई भाई एक दूसरे का सर फोड़ दें। भाइयों मतदान करना हमारी जिम्मेदारी है, और जो आपकी नजर में कोई अच्छा उम्मीदवार हो तो आप उसी को मतदान करें, उसी को आप वोट दें। लेकिन आपस में जो आप दोनों भाई भाई ये सब ये करते हैं ना, ये ना करें। तो अब दोस्तों जो मैं आपसे जो दोस्तों बात कहना चाहता हूँ वो आपको बुरी लगेगी, कारण सच्चाई कड़वी होती है। जितना समय आपने उस चुनाव में लगाया, जिस भी नेताजी को अपने क्षेत्र में जिताकर उम्मीदवार बनाया, उसको माला तो जीत की पहनानी है। प्रत्येक गांव, जिला व तहसील स्तर पर जितने भी उन क्षेत्रों के प्रमुख हैं, उनको जीत की माला पहनाने के साथ एक लीफ, वो एक लेटर या फिर एक एप्लीकेशन भी देना है। साथ में अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाने हैं विकास से संबंधित, उसका पूरा विवरण उस लेटर में अंकित कर उसको पूरा करवाना। और उन नेताजी को जब तक नहीं छोड़ना जिस कारण आप उनको जिताकर लाए हैं। अब आपको उतना परेशान अपने विकास के कार्यों के लिए होना है, रात दिन मत सोच जब तक अपना पूरा काम नहीं करवा लो, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें वोट दिया है और उनको जिताया है और उनको कार्य तो करना ही पड़ेगा। और बराबर अपने क्षेत्र में जब तक और 5 साल में जब तक अपने कार्य विकास कार्य जब तक पूरे ना हो, उन नेताजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और आप उनको याद भी दिलाते जाएं कि उनका कार्यकाल खत्म होता जा रहा है, हमारे विकास के कार्य करवाओ वरना तो अगली बार आपके आपकी छुट्टी। मेरे बड़ों, जो भी चुनाव के बाद जीते उसके पीछे लग जाओ और उससे अपना जितना भी जो कार्य बचा है उससे पूरा काम करवाओ। जब तक कि वो कार्य ना करे उसे ना छोड़ो। हम छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारे लिए विकास कार्य होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों जो मेरा इस वीडियो को बनाने का दोस्तों मकसद है वो पूरा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज्यादा पसंद आए तो दोस्तों मेरी दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, तो सब उसको प्रेस करके एक बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे दोस्तों हमारी जो अच्छी लेटेस्ट वीडियोज होंगी उनका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।